कहानी की शुरुआत होगी एक हवेली से। हवेली जितनी बाहर से पुरानी और भयानक लग रही थी, अंदर से उतनी ही चमचमा रही थी। हवेली में घुंघरुओं की आवाज के बीच में भयानक हंसी की आवाज गूंज रही है कि अचानक हवेली का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही हवेली के अंदर शांति छा जाती है। दरवाजे पर एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ था। आयला, कितनी आलिशान हवेली है और इसकी मालकिन मुझे प्यार करेगी। तेरी तो किस्मत ही खुल गई रोहन, आज तो मजा ही आ जाएगा। रोहन खड़ा ही था कि तभी हवेली में फिर से घुंघरुओं की आवाज आने लगती है और वो आवाज रोहन की ओर बढ़ती जा रही थी। अरे कहाँ हो आखिर तुम, सामने भी आ जाओ। तभी एक सुंदर हाथ अचानक से रोहन का हाथ पकड़ लेता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर लड़की का हाथ था। रोहन उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में खो गया था। रोहन शाम को ऑफिस से जा रहा था कि एक सुनसान रास्ते पर उसको अपने पीछे एक आहट सुनाई देती है। रोहन पीछे मुड़कर देखता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। रोहन जिस रास्ते से गुजर रहा था, वहाँ एक पुरानी हवेली थी। रोहन उसके सामने पहुँचते ही अपने आप ही रुक जाता है। ये तो वही हॉन्टेड हवेली है ना? मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। जैसे ही रोहन आगे बढ़ता है, हवेली के अंदर से एक मीठी आवाज आती है। रोहन, आओ मेरे पास, कहाँ जा रहे हो? इतनी प्यारी आवाज सुनकर वो उस ओर खींचा चला जाता है। तभी रोहन को होश आता है और वो उल्टे पांव लौटने लगता है। रोहन, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ, मुझे प्यार करो रोहन। इस बार रोहन खुद को रोक नहीं पाया और हवेली के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहन उस आवाज से सम्मोहित हो चुका था। आखिर किसकी थी ऐसी आवाज जो किसी भी मर्द को अपने वश में कर लेती थी? तभी हवेली का दरवाजा धीमे से खुलता है और अंदर से एक मीठी सी हंसी की आवाज आती है। तो आ गए तुम रोहन, अब तुम ही मेरी प्यास बुझाओगे, आओ ना। तभी दरवाजे के बाहर एक हाथ रोहन की ओर बढ़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। रोहन के अंदर जाते ही हवेली का दरवाजा जोर से बंद होता है। उस सुनसान जगह में रात के सन्नाटे में होने वाली सारी आवाजें किसी भूतिया फिल्म से कम नहीं लग रही थी। आखिर कौन थी वो सुंदर हाथों वाली लड़की जो ऐसे किसी अनजान लड़के को अपनी प्यार की प्यास बुझाने के लिए हवेली के अंदर ले गई? रोहन उस लड़की की आंखों में खोया हुआ था। तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे हवेली के अंदर ले जाती है। आओ ना रोहन, आज हमारी सुहागरात है, आज तो मुझे जी भर कर प्यार करोगे ना? हाँ मैं करूँगा ना तुम्हें जी भर कर प्यार। और लड़की रोहन को अपने बेडरूम में ले जाती है, जो बहुत सुंदर सजा हुआ था। फूलों की खुशबू से रोहन महक उठा था। हाय, आज तो मेरी रात जरूर रंगीन होने वाली है। रोहन देखता है कि वो लड़की तो वहाँ थी ही नहीं। तुम मुझे प्यार करने के लिए तैयार हो जाओ रोहन, मैं बस अभी आई। और रोहन ये सुनते ही जोश में आकर अपने कपड़े उतारकर बिस्तर में घुस जाता है। तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रोहन के सामने दुनिया का सबसे खूबसूरत नजारा होता है। वो लड़की छोटी नाइट ड्रेस में उसके सामने खड़ी हंस रही थी। मैं आ गई रोहन। और लड़की उछलकर उसके ऊपर बैठकर उसे प्यार करने लगती है। रोहन मदहोश था कि तभी वो अपने हाथ से लड़की के चेहरे पर से बाल हटाता है और जैसे ही वो बाल हटाता है, उसकी जान मुंह में आ जाती है। वहाँ कोई हुस्न की मल्लिका नहीं, बल्कि ये चुड़ैल बैठी थी जो उसे अपनी हवस के जाल में फंसा रही थी। रोहन चुड़ैल को देखकर उसे धक्का मारता है, मगर वो कहाँ ही हटने वाली थी। रुक जाओ रोहन, मुझे प्यार तो करो अभी। और चुड़ैल रोहन से प्यार करने लगती है और उसके सीने को दबाकर उसके ऊपर उछलने लगती है। चुड़ैल के इतने भयंकर कूदने से रोहन तड़प तड़प कर मर जाता है और चुड़ैल उसका हाथ काट लेती है
जिसमें से खून टपक रहा होता है। मर्द का खून बहुत मीठा होता है। और चुड़ैल जैसे ही वो खून पीती है जोर से थूक देती है। तू नहीं, तुम भी वो नहीं हो। मेरी तलाश अभी भी अधूरी है। कब पूरी होगी मेरी तलाश? और चुड़ैल गुस्से से रोहन की लाश पर नाखूनों से वार करती है और उसे उठाकर गायब हो जाती है। हवेली का दरवाजा फिर से खुलता है और ठक ठक की आवाज से रोहन की मुंडी लुढ़कती हुई बाहर आती है। तभी उस पर चुड़ैल अपना उल्टा पांव रखती है और जोर से उस मुंडी को लात मारकर फेंक देती है। तो इस हवेली में ये हुआ मेरे साथ। ये चुड़ैल कौन थी और आखिर कैसे शांत होगी इसकी प्यार की भूख? जानने के लिए आप सब भी आइए इसी हवेली में इसका राज जानने। चुड़ैल फिर से हवेली के अंदर आ जाती है और दरवाजा बंद करते हुए मुस्कुराती है। मैं हूँ एक भूखी चुड़ैल। क्या आप लोगों के पास उस लड़के का पता है जिसका दिल खाकर मुझे शांति मिलेगी? अगर पता है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में और अपनी इस चुड़ैल को भी अधिक प्यार करें। हवेली के पास छिपकर कोई ये सब देख रहा था, मगर आखिर ये चुड़ैल किसकी तलाश में है जो इसकी हवस का शिकार बनने वाला होगा।